हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? राधे राधे। दोस्तों, मेरा चैनल पुष्पा बोर्ड क्रिएटिव आइडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने वेस्ट पड़ी बोतलों से ये कैंडल लाइट तैयार किया है और कैंडल भी बनाना बताया है। जो हमारे केक के साथ छोटी छोटी सी मोमबत्ती आती है उससे मैंने ये तैयार किया है। और ये बाउल भी वेस्ट ही थे, इनको भी यूज़ में लिया। और किस तरह से मैंने ये क्रिएटिव डिज़ाइन बनाई है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, कोई भी वेस्ट मटेरियल को हम यूज़ करके इतना सुंदर शो पीस बना सकते हैं, तो क्यों ना हम घर पर ही इन सबको तैयार करें। और हाँ, अगर फर्स्ट बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मोटिवेट भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, हमने ये क्रिएटिव आइडिया और ये डेकोरेशन कैसे किया है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपना काम शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो बॉटल्स है इन पे मैंने जस्सो अप्लाई कर दिया था। और अब हम हाफ बॉटल के बॉटम पार्ट में ब्लैक कलर करेंगे। एक्रेलिक के कलर लिए हैं मैंने, आप लोगों के पास भी जो भी हो एनिमल कलर या एक्रेलिक कलर वो कर सकते हैं। इस तरह से हम दोनों ही बोतल पे इस तरह से ब्लैक कलर कर देंगे। अब हम ऊपर एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, जो बोतल पे उभरी हुई डिज़ाइन है उसी के ऊपर हमने एक ब्लैक और एक गोल्डन करना है। तो हम पहले ही ब्लैक वाली डिज़ाइन हम कंप्लीट करेंगे दोनों बोतल पे, और उसके बाद हम गोल्डन कलर इसके बीच में करेंगे। मैंने सारे एक्रेलिक के कलर ही यूज़ किए हैं दोस्तों। आप कोई भी बॉटल्स, प्लास्टिक, किसी के ऊपर भी अगर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले जस्सो का यूज़ कीजिए, जो मैंने घर पे ही तैयार किया है। अब ये मेरे पास एक आर्ट एंड क्राफ्ट में काम आने वाली लेस थी, उसी से मैंने इन पे डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। हमें नाप कर जितना चाहिए उतना हमें कटिंग कर लेनी है और ग्लू की सहायता से इन्हें चिपका देना है। और ग्लू भी मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है एक्रेलिक का। ये एक और एक नीचे और एक ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे। अब हमने केरी की डिज़ाइन वाले मिरर लिए हैं, उन्हें भी ग्लू की सहायता से इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों साइड अपोजिट में हमें लगा देने हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमें चिपकाने हैं। अब मेरे पास ये छोटी छोटी सी मोतियों की माला रखी थी, ये देखिए इस तरह की गोल्डन मोती इसमें है। और गोल्डन और रानी कलर, जो पिंक डार्क कलर होता है, उन दो को हम यूज़ करेंगे। और इस तरह से देखिए हमें चिपकाते जाना है, एक गोल्डन और एक डार्क पिंक कलर। ग्लू लगा के चिपका दीजिए, बड़ी ही आसानी से चिपक जाते हैं। देखिए, इस तरह का डिज़ाइन बनकर सामने आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। अब मुझे बॉटल्स के ऊपर डार्क पिंक कलर को शेड बनाना है, तो हम रेड, वाइट और थोड़ा सा हमें ब्लू कलर लेना है। और इन तीनों ही कलर को हमें मिक्स कर देना है, ब्लू कलर बहुत ही कम लेना है दोस्तों। देखिए, इस तरह से एक ब्रश ही हमें लेना है। और ये बड़ा ही प्यारा डार्क पिंक कलर बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने पिंक कलर की मोती की माला यूज़ की थी, इसमें हमें पिंक कलर का टच देना है।
तो ये जस्सो के ऊपर हमें इसे अप्लाई कर देना है। इस तरह से देखिए, हमें दोनों बोतल इस तरह से तैयार करनी है। अब हमें ये जो डिज़ाइन है ब्लैक और गोल्डन के बीच में हमें ग्लू लगाना है, और स्टोन की लेस जो मेरे पास रखी थी उसको हमें यूज़ करना है, और इनके बीच एक एक करके स्टिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से। अब हमें ये जो बीच में खाली जगह है वो अच्छी नहीं लग रही है, तो इसमें हमें वाइट कलर के पर्ल्स यूज करेंगे, जो हाफ कटिंग में आते हैं, क्राफ्ट की दुकान में आराम से मिल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। ये दो बोतल मैंने तैयार कर ली है। अब ये ऊपर की जगह भी खाली थी, इसमें स्टोन की डबल लेस हम इस पर चिपका देंगे, इस तरह से। दोनों बोतल में इसी तरह से हमें ऊपर की साइड लगा देना है। अब हमें इन बाउल पे, और ये छोटी छोटी सी मेरे पास ग्लास रखे थे, इस बाउल पे हमें गोल्डन कलर कर देना है, डबल कोट करना है। और ये हल्के ब्लू बाउल थे तो हमने पहले इस पे वाइट कलर किया है, उसके बाद उनके ऊपर हम गोल्डन कलर करेंगे। और ये गोल्डन टेप है जो हमें इन गिलास के ऊपर चिपका देने हैं। ये इसी तरह से दो दो टेप हमने चिपका दी है। इन दोनों के बीच हमें पर्ल्स लगाने हैं। ये देखिए इसी तरीके से। और अब हम यहाँ भी एक एक हाफ कट पल्स है, मोती है, उसे हम लगाएंगे। अब बाउल पे भी हमें एक एक मोती लगा देने हैं। ये मेरे पास SR का डिब्बा पड़ा था दोस्तों, ये थोड़ा सा सूख चुका है, लेकिन इससे हर चीज़ आसानी से स्टिक हो जाती है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। बहुत ही मज़बूत इसकी पकड़ होती है। इसी तरह से हमें बॉटम पार्ट वाला प्याला अटैच करना है, और एक ऊपर की साइड एक प्याला हमें और अटैच करना है, वो हम बाद में करेंगे। अब हमें कैंडल तैयार करना है, जो हमने छोटी छोटी सी गिलासों को डेकोरेट किया है उसमें हमें ये डबल बॉलिंग करके हमने इन्हें तोड़ लिया है, और इनका कलर भी बहुत ही सुंदर आया है दोस्तों, देखिए। इस तरह से हमें इसमें डाल देना है। दोनों बॉट ग्लास में हमें बराबर बराबर डालना है। अब इन्हें ठंडा होने देते हैं। ये देखिए हमारा आगे का प्रोसेस।
इसी तरह से हमने ये कैंडल इस पे लगा दी है दोस्तों। देखिए आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगे हो तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। लाइट ऑफ करके भी देखते हैं दोस्तों कैसी लगती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, ये देखिए। आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।